Hello friends, welcome back to my channel. My name is Aryan and for today's video, आज हम आप सभी लोगों को एक ब्रह्म राक्षस के बारे में सुनाने जा रहे हैं, एक ब्रह्म राक्षस की स्टोरी सुनाने जा रहे हैं. So, without any further ado, let's get started. एक गांव में एक ब्राह्मण आदमी रहता था जिसका नाम दुर्दर्शन था. उसे लोग प्यार से दुर्दर्शन जी भी बुलाया करते थे. उसका घर बहुत बड़ा था और उसके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था. उस खेत में बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ भी था. वो बरगद का पेड़ बहुत ही बड़ा और पुराना भी था. एक बार दुर्दर्शन को ख्याल आया कि उस खेत में वो अपना घर बनाए, क्योंकि जो पिछला वाला घर था, जिस घर में वो रहता था, वो घर कुछ पुराना हो गया था और कुछ ईंटें पत्थर भी गिरने लगे थे. इस वजह से दुर्दर्शन ने उस खेत में अपना घर बनाने की सोची. वो जो घर था वो अपना घर बहुत बड़ा बनवाना चाहता था, इसलिए उसने पूरे खेत को कवर किया और वो जो बरगद का पेड़ था उस बरगद के पेड़ को भी उसने कटवा दिया. दुर्दर्शन का घर बन चुका था, बड़ा और आलीशान घर बन गया था. कुछ दिन तो बहुत ही नॉर्मल और ठीक तरीके से बीता, पर कुछ दिन के बाद से दुर्दर्शन का स्वभाव बदलने लगा. दुर्दर्शन बहुत परेशान रहने लगा और कभी वो पूजा करता था तो कभी नहीं. इस बदलते स्वभाव को देखकर उसकी बीबी ने उससे पूछा कि आप कभी पूजा करते हैं कभी नहीं करते, आपको क्या हो गया है? फिर अचानक से दुर्दर्शन ये बात सुनकर दुर्दर्शन की आंखें लाल हो गई और वो अजीब सी मुस्कान देने लगा. वो मुस्कुराते हुए बोला, तुमने तो मेरा घर काट के अपना घर बनवा लिया, अब तुम्हें क्या ज़रूरत है भगवान की पूजा करने की? मैं ही तो भगवान हूँ, तो इस शरीर को क्या ज़रूरत है किसी भगवान की पूजा करने की? कभी दुर्दर्शन अपने दांत पीसने लगता, कभी वो चिल्लाने के स्वर में बात करता, कभी उसकी आँख एकदम पीले हो जाते, कभी लाल हो जाते और कभी कभार वो एकदम नॉर्मल हो जाता. ये सारी बातें देखकर दुर्दर्शन की बीबी समझ गई कि दुर्दर्शन पे कोई काला साया आ गया है, किसी चुड़ैल या फिर डायन का साया आ गया है और वो इतने जल्दी दुर्दर्शन को नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो दुर्दर्शन बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करता. ऐसा लग रहा था कि दुर्दर्शन के अंदर दो लोग हैं और दो लोग बातें कर रहे हैं. फिर दुर्दर्शन की बीबी ने उसे एक जगह पर बैठाया और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया. उसे लगा कि वो हनुमान चालीसा पढ़ेगी तो अंदर का जो भूत है वो बाहर भाग जाएगा, पर हनुमान चालीसा पढ़ने के बावजूद भी कुछ असर नहीं हुआ. दुर्दर्शन वैसा का वैसा ही था. फिर दुर्दर्शन एक टक उसको देखे जा रहा था, अपनी पत्नी को. फिर अचानक से दुर्दर्शन की आंखें लाल हो गई और दुर्दर्शन बोलने लगा, तुम्हें क्या लगा मैं डर जाऊंगा? पर मैं किसी से नहीं डरने वाला, मैं इस शरीर को छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस शरीर ने मेरा घर तोड़ दिया. मैं जहां रहता था मुझे वहां से निकाल बाहर किया. तब तक अचानक से दुर्दर्शन का छोटा बच्चा आ गया उसके पास. दुर्दर्शन ने उसे पकड़ के अपनी तरफ खींचा और उसका सर कच्चा ही खाने लगा. फिर अचानक से दुर्दर्शन की मम्मी आ गई और उस बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया और बोला कि तुम बच्चे की जान ही ले लोगे क्या? तुम्हें आखिर हो क्या गया है? तुम इतने बदले बदले से क्यों रहने लगे हो? दुर्दर्शन की पत्नी ने फिर कहा, आखिर तुम हो कौन और तुम मेरे पति के शरीर के अंदर क्यों आ गए हो? तुम चाहते क्या हो हमसे? फिर अचानक से दुर्दर्शन की बॉडी में से आवाज़ आती है कि तुम जितना हो सके उतना बरगद का पेड़ लगाओ, उसके बाद ही मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और मैं इसके बॉडी में क्यों आया हूँ. फिर दुर्दर्शन की पत्नी ने 100 बरगद के पेड़ लगवा दिए. 3-4 दिन बाद अचानक से दुर्दर्शन बिल्कुल ठीक हो गया और सुबह में उठकर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया. दुर्दर्शन की बीबी को ये यकीन हो गया था कि जो भी साया था अब वो उसके अंदर से निकल गया. अचानक से उस साये में से आवाज़ आया कि आज मैं तुम्हारे पति के शरीर को छोड़ के जा रहा हूँ और तुम सदा सुखी रहना, क्योंकि मुझे तुम्हारा आचार और विचार बहुत ही अच्छा लगा. फिर उस साये ने बताया कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, मैं जिस बरगद के पेड़ पर रहता था उस बरगद के पेड़ को तुम्हारे पति ने काट दिया. मैं दरअसल बहुत पहले हजारों साल से इस बरगद के पेड़ पर रहता था, इस वजह से मेरा लगाव इससे हो गया था और ये मेरा घर ही बन गया था और तुम्हारे पति ने उसे काट कर अपना घर बना लिया. मुझे गुस्सा तो बहुत आया और मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ, पर तुम्हारे अच्छे स्वभाव के कारण मैं तुम्हारे पति को छोड़ के जा रहा हूँ.
फिर दुर्दर्शन की बीवी ने भगवान को थैंक यू किया और उस साये को भी थैंक यू किया और उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स तक प्लीज़ शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।